अच्छा जी, वेलकम बैक इन द लास्ट वीडियो. नाउ यू कैन सी इन टाइप थ्री, यू नो वी विल बी हैविंग जस्ट दीज फोर पार्ट्स. लेट मी शो इट टू यू. सेवन्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवंथ, राइट? आई विल बी डिस्कसिंग टू ऑफ देम एंड रेस्ट ऑफ द टू वुड बी देयर एज योर असाइनमेंट. मुझे ना सेंड करें बेशक आप लोग असाइनमेंट, ये अपने माइंड में रखें. आई एम नॉट गोना रिपीट एनी थिंग, ठीक है? आप लोगों ने नॉन सीरियस अगर लेना है इसको लें, बट यू पीपल हैव टू सेंड मी योर असाइनमेंट, माइंड इट, ठीक है जी? अच्छा, लुक एट दिस, फोर पार्ट्स हमारे रह गए हैं एंड आई एम गोना डू द टू पार्ट्स. टू आप करेंगे, है क्या इसमें? अल्जेब्रिक फंक्शन प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंट दिए हुए हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक टैन का इनवर्स है, एक साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है. सो हम इसमें आज वाले केस में वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग टैन इनवर्स ऑफ एक्स. ये मैंने क्यों किया ऐसे, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद हो जाएँ, ठीक है? टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आज आप रिवाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, इट वुड बी इंशाल्लाह मेमोराइज्ड. ओके, अल्जेब्रिक प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब वही बात अगेन, आईलेट वाली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंडरस्टूड है, इट वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन. और अल्जेब्रिक फंक्शन क्योंकि ये बाद में आ रहा है ये, सो इट वुड ऑलवेज बी सेकेंड फंक्शन. इसी तरह याद रखिए, इनवर्स और लॉगरिथमिक कभी आपके सेकंड फंक्शन नहीं बन सकते, नेवर, ठीक है? अच्छा, लुक, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ. आई विल बी डिस्कसिंग दिस वन एंड दिस वन, बाकी सब आप खुद करेंगे जो दो रह गए हैं, ठीक है? डिस्कस मैं कर लेती हूँ, बट स्टिल, व्हाट नाउ? दिस इज ओनली टैन इनवर्स ऑफ एक्स, क्या यही फंक्शन कंसिडर होगा? नो, अगेन हम इसके साथ वन मैंशन करेंगे, वन बींग माई अल्जेब्रिक फंक्शन, वो सेकेंड फंक्शन होगा एंड टैन इनवर्स ऑफ एक्स वुड बी माई फर्स्ट फंक्शन. अब हम फॉर्मूला से पुट करेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक फंक्शन, दिस वुड बी सेकंड, दिस वुड बी फर्स्ट. एक्स सेकंड, टैन इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट. एक्स क्यूब सेकंड फंक्शन, टैन इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है? सब में एज इट इज़, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इसी का डिफरेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है. अब इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर आपने बड़े अच्छे से याद कर लेने हैं. क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर? सी, ये तो वी ऑल नो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड बी आर फर्स्ट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है? एंड सेकंड फंक्शन वुड ऑलवेज बी अल्जेब्रिक, अगर इन दोनों का कॉम्बो है तो. ये मैंने पहले भी लिखा था, इंटेग्रल ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी. एक्स क्यूब का इंटेग्रल क्या होता है? एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है? अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट. हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? हमारे पास वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. सॉरी, सी कहाँ से आ गया, ये तो डेरिवेशन है, ठीक है? ये होती है, इसका डेरिवेटिव होता है टैन इनवर्स ऑफ एक्स का. अब क्या होता है कि इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. क्लियर? ये यूज़ होगा, ये बार बार यूज़ होगा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है. ये मैंने सब वही फॉर्मूले लिखे हैं जो इन क्वेश्चंस में, इन फोर पार्ट्स में जो यूज़ होंगे, ये सारे वही फॉर्मूले हैं, ठीक है? बाय द वे, प्लीज़ ये करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर. अच्छा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर. और इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें क्या होता है? टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है? उसके अलावा ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा, वैसे तो यू पीपल आर फेमिलियर विद दिस, है ना? अगर आपके पास कभी भी x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए इनटू dx, तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं हम. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. तो इस खाली इस एक्स स्क्वायर का नहीं, इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो क्या होगा? 0 प्लस 2x. अगर मेरे पास ऊपर कहीं 2x बन जाए तो मैं तो बड़ी आसानी से नेचुरल लॉग बना दूंगी. याद है ना ये वाला फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड रूल जो था हमारा, दिस इज 2x, दिस इज 2, से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अब इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमारा इंटेग्रल क्या बनेगा? नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, विच इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है? ये याद रखना है. अगर ऐसी चीज़ बन गई आपके पास, दिस वुड बी इक्वल टू दिस. क्लियर? ये सारी चीज़ें इन चार क्वेश्चन में यूज़ होनी है. लेट इस गेट स्टार्टेड. ओके जी, फर्स्टली देर इज़ सिंगल फंक्शन, तो हम इसके साथ क्या बना देंगे जी? वन इन टू. नाउ वन बींग माई सेकेंड फंक्शन एंड टैन इनवर्स ऑफ एक्स बींग माई फर्स्ट फंक्शन. आई एम गोना अप्लाई द फॉर्मूला. क्या था वो? फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इन टू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. और फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास टैन इनवर्स ऑफ एक्स टू डी एक्स, ठीक है जी? लेट इस गेट द आंसर्स नाउ. टैन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा. क्या लिखा है मैंने? टैन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज इन टू वट इज इंटेग्रल ऑफ, वट इज इंटेग्रल ऑफ वन? वी ऑल नो इट इज एक्स
minus integral sign. What is integral of 1? It is x into. What about derivative of tan inverse of x? अभी अभी बताया मैंने 1 divided by 1 plus x square into dx. यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करें. x पहले आ गया, tan inverse of x, ये तो हमारा हो गया माइनस. ये चीज़ मैंने अभी अभी डिस्कस की. देखिए x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है ना. तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये चीज़ बन रही है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 2x. मतलब अगर मेरे पास ऊपर किसी तरह 2x बन जाए तो सिंपली इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऐसा ही है. सो आई एम गोना डू इट दिस वे. What would I be doing? I'll be multiplying and dividing this whole term with 2. 1 divided by 2 into integral of 2x divided by 1 plus x square dx. क्यों किया मैंने? अभी अभी बताया. What is it? 2x divided by 1 plus x square. हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. क्या होगा आंसर? पूरा क्या बनेगा? x tan inverse of x. ये तो मैं पिछले वाला स्टेप लिख रही हूँ, मतलब ये वाली टर्म, माइनस 1 divided by 2 into, इसकी जगह पे क्या आएगा? इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस होल वुड बी माय आंसर. क्लियर? लेट मी शो यू द सॉल्यूशन नाउ. लुक एट दिस. ठीक है, इसको आप खुद से बाद में देख लीजिएगा, टाइम इसको वीडियो को लंबा नहीं करते. ओके, नाउ अगेन एक्स क्यूब इंटू थ्री, सॉरी एक्स रेशियो टू पावर 3 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स. दिस बीइंग माय सेकंड फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस बीइंग माय फर्स्ट फंक्शन. लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल साइन इतना लंबा क्यों हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है जी, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द आंसर्स. टेन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा इंटू, व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब, वी ऑल नो एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. और ये कैसे होता है? इसके साथ इसका डेरिवेटिव यानी 1 मौजूद है, इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं. माइनस इंटेग्रल साइन. क्या है इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब? अभी अभी हमने डिस्कस किया एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दो इंटेग्रल साइन इकट्ठे आ रहे होते हैं, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना. ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी. अच्छा, एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 into what is derivative of tan inverse of x. ये हर क्वेश्चन में आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा होने वाला है टेक्निकल. tan inverse of x into x raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, आई शुड हैव चेंज द कलर अर्लियर. ओके, 1 डिवाइडेड बाय 4 बाहर चला गया बींग कॉन्स्टेंट. वट डू आई हैव नाउ? x raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर into dx. अब मुझे बताएं, न्यूमिनेटर में आई कैन सी इट इज एक्स रेज टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में आई कैन सी इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज इट? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम पहले क्या करेंगे? इसको प्रॉपर बनाएंगे, यानी डिवीजन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले तो हम इसको प्रॉपर बनाते हैं. एक्स 4 पहले जल्दी से मैं इसको कर लूँ. अच्छा, पहले मैं प्रॉपर बना के बल्कि दिखाती हूँ. ये था एक्स 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा जी, एक्स 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बना. मैं पहले इसको इम्प्रॉपर करके, इम्प्रॉपर को प्रॉपर करके दिखाती हूँ, एंड देन वी विल मूव फर्दर, मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. न्यूमिरेटर इनसाइड, डिनोमिनेटर आउटसाइड. डिवीजन करें ज़रा. एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्स 4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? एक्स स्क्वायर से. सो लेट इस, ओके, एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वुड बिकम एक्स रेज टू द पावर 4, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 वुड बी एक्स स्क्वायर. चेंज द साइंस. एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 कैंसल आउट, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन डिविजन हो सकती है, इसको दोबारा से करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ चेंज द साइंस, कैंसल्ड आउट, माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन डिवीजन हो सकती है, सो इट वुड बी माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या बन गया? माइनस 1. अगेन चेंज द कलर्स, सॉरी चेंज द साइंस. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, व्हाट इज इट? प्लस 1 रिमाइंडर. ठीक है, तो लिखते कैसे हैं इसको?
वी ऑल नो कैसे लिखते हैं भाई. वन ठहर जाए, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर. ठीक है, व्हाट इज माय कोशेंट, व्हाट इज माय डिवाइजर, व्हाट इज माय रिमाइंडर जो बच गया था वन. सो ये मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम इसको उसके इनसाइड लिखेंगे. ठहरे, हमारे पास टर्म क्या थी, लेट मी चेक दैट आउट. ये टर्म मेरे पास बन चुकी थी एक्स रेज टू द पावर फोर. ओके, ये बन चुकी थी एक्स रेज टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर. और अब हमारे पास आफ्टर डिवीजन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स. ये चीज़ बनी है हमारे पास. अब ये जो इंटेग्रल है ये अलग अलग सब पे अप्लाई होगा, यानी ये इंटेग्रल साइन आपका इस पे भी अप्लाई होगा, इंटेग्रल साइन इस पे भी अप्लाई होगा, और ये इंटेग्रल साइन इस पूरे पे भी अप्लाई होगा. सो लेट इस डू इट दिस वे, एक्स रेज़ टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू इंटेग्रल साइन वन डी एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू इंटेग्रल साइन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्या किया मैंने, इस माइनस वन ओवर फोर को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया और इससे भी किया. ठीक है, नाउ लेट मी गेट द आंसर्स स्ट्रेट अवे. आसान हो गया क्वेश्चन, एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर, टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन और साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन दे आर इंपॉर्टेंट. अच्छा, वट इज़ इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, अब तो आसान है, क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड बाई द वे. वट इज़ इंटेग्रल ऑफ वन, इट इज़ एक्स माइनस, अब इसको देखिए वन ओवर फोर. वट इज़ इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वी ऑल नो इट इज़ टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवरऑल प्लस सी. दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. लेट मी शो यू द सोल्यूशन. ये ठीक है, आफ्टर डिवीजन जो हमने ये किया था, डिवीजन के बाद ये अलग अलग अप्लाई होने के बाद आपका ये सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, नाउ लेट मी शो यू द असाइनमेंट. दिस इज़ योर असाइनमेंट. रिमेनिंग का मतलब ये है कि जो मैंने किए हैं वो वाले नहीं, उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट्स आपके टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री के आपके ये असाइनमेंट हैं. एंड यू पीपल हैव टू सेंड मी योर असाइनमेंट्स वेल इन टाइम. ठीक है जी, आई होप देर इज़ नो प्रॉब्लम. स्टिल इफ देर इज़ एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क मी. ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.